Hello students, this is a practical series of advanced web programming TYBSCIT semester 5. So yahan pe we're going to see the first program, that is the aim given, the write a program to create a DLL to print a factorial of number. So jaise ki ye apne questions read kiya, yahan pe do word jo important hai, one ek hai DLL aur ek hai factorial. So first of all, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल्स का प्रोग्राम पता है और आता भी रहेगा. एंड फैक्टोरियल्स हमने सेमेस्टर वन से लर्न किया हुआ है. फैक्टोरियल बेसिकली प्रोग्राम है जहाँ पे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते जाते हो रिड्यूसिंग वाइज, जैसे लाइक 5 × 4 × 3 × 2 × 1. बट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है वो DLL क्रिएट करना है. तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, व्हाट इज DLL. सो बेसिकली DLL इज अ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इट स्टैंड फॉर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी. सो बेसिकली ये है क्या, ये एक टाइप का असेंबली है .NET में. .NET प्लेटफॉर्म पे दो टाइप की असेंबली होती है, की EXE होती है और एक DLL होती है. EXE जो होती है वो एग्जीक्यूटेबल होती है और DLL एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है. तो इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज होता है कोड को शेयर करना, रीयूज करना ऑन मल्टीपल प्रोग्राम्स. तो DLL बेसिकली हार्ट ऑफ द .NET फ्रेमवर्क है. जो भी हम पैकेजेस या नेम स्पेस यूज करते हैं प्रोग्राम लिखते टाइम, लिखते समय, सी शार्प प्रोग्रामिंग में ही DLL कॉन्सेप्ट या .NET फ्रेमवर्क पे ही ये एप्लीकेबल है. जावा में जाएंगे तो वहां पे जार फाइल वर्ड होगा. बट ये एक टाइप का लाइब्रेरी है और एक API है जिसको हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में. तो बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड DLLs भी आती है, बट ये वाली जो DLL है हमें खुद बनानी है. उसमें एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, फिर उसको हमें दूसरे प्रोग्राम में यूज भी करना है. So we'll start. So first we'll start the Visual Studio. And students, there are lots of Visual Studio versions available. So basically I have two versions here. One is 2017, that is 17, and that is 2010, that is a quite old, but we'll prefer this one because in your college this one might be, or 2015 might be applicable. 17 is quite new, so sometimes students get struggle with the steps. So better I will go for this one, 2010. So we'll click on this and the Visual Studio will launch. So students देख सकते हैं Visual Studio start हो चुका है. तो अभी एक project create करना है. So project create करने के लिए file menu में जाएंगे. File menu में जाने के बाद new प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे. इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोजेक्ट का टाइप सिलेक्ट करना. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. ये DLL प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएगा. DLL के लिए आपको क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये DLL प्रोजेक्ट कभी रन नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होगा. यहाँ पे जस्ट कोड जो है बेसिकली क्रिएट होगा, उसको दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज करना होगा, जैसे कंसोल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन. तो हम लोग यहाँ पे एक अपना DLL का नाम दे देंगे, जो भी आप दे सकते हो यूजर डिफाइंड. सो आई विल गिव इट इज माय फैक्ट, आई विल राइट माय फैक्ट एंड दिस इज अ लोकेशन वेयर आवर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट. सो आई विल क्लिक ओके. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास लाइब्रेरी टेम्पलेट सेलेक्ट करना, तभी ये DLL बनेगा. अदरवाइज ये नॉर्मल एक EXE एप्लीकेशन बन जाएगा अगर आप कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे तो. सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में आप देख सकते हैं कि एक डिफॉल्ट क्लास फाइल बन गई है जिसका नाम है class1.css एंड नेम स्पेस हो गया माई फैक्ट. सो बेसिकली आप रीनेम भी कर सकते हैं क्लास को, बट वेल हम क्लास को एज इट इज रहने देंगे. ये क्लास बन गया है. अभी यहाँ पे हम जो मेन प्रोग्राम है DLL का कोड लॉजिक वो हम लिखेंगे. सो फर्स्ट आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो पब्लिक क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरे एप्लीकेशन से कॉल होगा तो पब्लिक होना जरूरी है. अगर आप प्राइवेट बनाओगे तो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा. सो पब्लिक void भी जरूरत नहीं है. आप रिटर्न करना चाहोगे तो रिटर्न, तो इंटीजर ले लेता हूँ मैं void. Get fact and
तो अभी यूजर्स से हम एक पैरामीटर लेंगे, उसके लिए एक पैरामीटर्स डिक्लेयर कर रहा हूँ इनपुट नम, एंड देन ये फंक्शंस की बॉडी हो गई। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, फैक्टोरियल। अभी बेसिकली ये रिटर्न करेगा फंक्शन, तो रिटर्न बाय डिफॉल्ट मैं जीरो कंसीडर कर लेता हूँ। जीरो तो होता नहीं है फैक्टोरियल, तो वन ही रखना पड़ेगा आपको। अभी जस्ट फैक्टोरियल है तो लूप लगाना पड़ेगा आपको, फॉर लूप। दो टाइप के, दो तरीके हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए, पहला है फॉर लूप के थ्रू, दूसरा है रिकर्सिव फंक्शन। सो मैं आपको बेसिक इजी वन जो है फॉर लूप के थ्रू वो करा रहा हूँ। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन एंड आई लेस देन इक्वल टू नंबर, सो एंड आई प्लस प्लस, सो ये लूप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, पहले i की वैल्यू स्टार्ट होगी वन से और कब तक मल्टीप्लीकेशन होगा जितना नंबर है, और एक एक से इंक्रीमेंट होगा। नाउ यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंट फैक्ट इज इक्वल टू वन। नाउ अब आपको यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू i। अगर बाय चांस यूजर ने फैक्टोरियल वन डाला या यूजर ने जीरो डाला, तो फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? तो बेसिकली यहां पे हम कंडीशन चेक करेंगे, नम, इफ नम इज लेस देन जीरो, सो एल्स, सो फॉर लूप के कोड को हम लोग कट कर देंगे, इसको अगर लेस देन हुआ एल्स में डाल देंगे। वन सेकंड, कट किया, पेस्ट, नाउ सो विल बेसिकली यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फैक्ट को, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे वन। तो अगर फैक्टोरियल जो नंबर है इनपुट वो लेस देन जीरो हुआ या जीरो या जीरो से लेस देन माइनस में हुआ, तो वन ही रिटर्न करेंगे। और अगर आपका बेसिकली एल्स अगर नंबर नहीं है जीरो से लेस देन, दैट मीन ये वन है या इट इज मोर देन दैट फाइव नंबर सिक्स प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किया है डिफॉल्ट लोकेशन, चेक कर सकते हैं यहाँ से ओपन फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर। नाउ एक आपको DLL मिल जाएगा बिन फोल्डर के अंदर, यस दिस माय फैक्ट डॉट DLL। अब ये DLL को आपको यूज करना है, तो बेसिकली अभी एक इसी में एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशंस टेस्ट करके नाम दूंगा, ओके पे क्लिक। नाउ ये प्रोग्राम में हमें सिर्फ रेफरेंस ऐड करना है, तो ऐड रेफरेंस द माय फैक्ट, इट इज ऑलरेडी यहां पे आ गया है, या तो ब्राउज करके आप माय फैक्ट में जाके बिन में जाके सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पे देखिए DLL ऐड हो गया है। अभी यहां पे नेम स्पेस लिखेंगे यूजिंग माई फैक्ट, अभी यहां पे एक नंबर इंट नम इज इक्वल टू फाइव एंड देन आई विल कॉल। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो वी नीड टू मेक अवर क्लास ऑब्जेक्ट, तो क्लास वन सी इज इक्वल टू न्यू क्लास वन, ऑब्जेक्ट बना लिया और सी डॉट कॉल कर लिया। वन सेकेंड, सो ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे डॉट गेट फैक्ट, यहाँ पे नंबर पास कर देंगे नम, के बाद ये रिटर्न करेगा तो इंट रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे एंड देन
प्रिंट कर लेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन फैक्ट, कनेक्ट कर लेंगे रिजल्ट को और फिर कंसोल डॉट रीड रीड की सो दैट वी कैन व्यू द आउटपुट, सेव करके रन करेंगे। नाउ देख सकते हैं कि ये एरर्स क्यों आया, अप्रोचिंग आउटपुट टाइप इस क्लास लाइब्रेरी कैन नॉट बी स्टार्टेड डायरेक्टली इन ऑर्डर टू रिवोक। सो बेसिकली ये DLL प्रोजेक्ट है सो स्टार्ट नहीं होगा ये प्रोजेक्ट्स अगेन डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हमें ये प्रोजेक्ट को यहाँ से और फिर सॉल्यूशंस को एक बार वापस रिबिल्ड करना पड़ेगा। नाउ स्टार्ट करेंगे सो क्लिक करेंगे 120 आ गया फैक्टोरियल, वापस नंबर को चेंज कर लेंगे राइट 4 देन फिर से वापस रन करेंगे 24 आ गया। अब ये नंबर्स आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर के बाद नम इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 देन कंसोल डॉट रीड लाइन नाउ। सो अभी यहाँ पे हम डिफॉल्ट 0 रख देंगे और यूजर से एक इनपुट ले लेंगे 5 120 फैक्टोरियल बंद किया बंद हो गया। सो दिस ये था आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। सो इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मेरा पर्सनल ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।